विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के सदस्यों ने संसद में शपथ ग्रहण समारोह के दौरान जय फलस्तीन नारे को लेकर AIMIM सांसद असदुद्दीन ओवैसी के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान दोनों संगठनों के सदस्यों ने जमकर नारेबाजी की। बताया जा रहा है कि पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच झड़प भी हुई है। ईडी CBI के कथित दुरुपयोग को लेकर विपक्षी गठबंधन के नेता सोमवार को संसद में प्रदर्शन करेंगे। आपके राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने इसकी जानकारी दी। उन्होंने कहा कि मनीष सिसोदिया मामले में ईडी CBI के पास कोई सबूत नहीं है, सिर्फ जमानत रोकने के लिए सर्वोच्च न्यायालय ने ईडी CBI द्वारा झूठ बोला जा रहा है। ये सुप्रीम कोर्ट की अवमानना है और इन्हें इस पर कार्रवाई करनी चाहिए। हरियाणा में जब पंडित पुजारियों पुरोहितों इमाम मौलवी ग्रंथी भिक्षु लामा नन जैन साधु साध्वियों और पादरियों को वेतन सहित तमाम सुविधाएं मिलेंगी। इसके तहत उन्हें और उनके आश्रितों को न केवल आवास और चिकित्सा लाभ मिलेगी बल्कि बच्चों को छात्रवृत्ति कौशल प्रशिक्षण और अनुदान दिया जाएगा। हार्दिक अनुष्ठान करने वाले सभी का जीवन स्तर सुधारने के लिए पहली बार हरियाणा में अर्चक पुजारी एवं अन्य नियुक्त धार्मिक पेशेवर कल्याण बोर्ड गठित किया गया है। इसकी कमान मुख्यमंत्री के हाथ में होगी। रिहा होने के बाद झारखंड मुक्ति मोर्चा के कार्यकारी अध्यक्ष पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पूरी तरह से पुराने फॉर्म में आ गए हैं। वो एक ऐसा प्लान बना रहे हैं जिससे भाजपा बुरी तरह फंस सकती है। दरअसल हेमंत सोरेन अब सभी जिलों में आभार यात्रा निकालने की योजना बना रहे हैं। तमाम जिलों में आभार यात्रा के माध्यम से राज्य के राजनीतिक तापमान को गर्म रखने के साथ ही उसका राजनीतिक फायदा भी उठाया जाएगा। में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी पारा हाई चल रहा है। ऐसे में इस बीच शरद पवार ने कहा कि उनकी पार्टी कांग्रेस और शिवसेना UBT महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव साथ मिलकर लड़ेगी। पवार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि ये महाराष्ट्र की बड़ी विपक्षी पार्टियों की जिम्मेदारी है कि वो छोटे सहयोगियों के हितों की रक्षा करे जो कि 2024 लोकसभा चुनाव के दौरान गठबंधन का हिस्सा थे। नीतीश कुमार की अगुवाई में JDU कार्यकारिणी की बैठक में केंद्र सरकार के सामने बिहार को विशेष राज्य का दर्जा या स्पेशल पैकेज देने की मांग रखी गई है। राष्ट्रीय प्रवक्ता मनोज झा ने कहा कि बिहार के लिए विशेष राज्य का दर्जा और विशेष पैकेज दोनों जरूरी हैं। एक तो राज्य के दीर्घकालिक विकास के लिए और दूसरा निवेश के लिए। ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि हम इसमें से एक पर समझौता कर रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि वित्त आयोग के पैरामीटर में बदलाव होना चाहिए। JDU की हुई बैठक को लेकर सियासी पारा हाई चल रहा है। ऐसे में कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा कि लोकसभा चुनाव प्रचार के दौरान विपक्षी पार्टी कहती रही है कि SC ST और OBC के लिए आरक्षण से जुड़े राज्य के सभी कानूनों को 9वीं अनुसूची में शामिल किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि अच्छी बात है कि JDU ने कल पटना में यही मांग उठाई है, लेकिन उसकी सहयोगी भाजपा राज्य और केंद्र दोनों जगह इस मामले पर पूरी तरह चुप है। दिल्ली में हुई मूसलाधार बारिश की वजह से चंद्रावल वाटर ट्रीटमेंट प्लांट के पंपिंग हाउस में पानी भरने से मोटरों को नुकसान पहुंचा है। दिल्ली सरकार के जल मंत्री आतिशी ने चंद्रावल वाटर ट्रीटमेंट प्लांट का निरीक्षण किया। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि जल्द से जल्द पंप हाउस को ठीक किया जाए, साथ ही सुनिश्चित किया जाए कि भविष्य में ये समस्या किसी भी प्लॉट पर दोबारा सामने न आए। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने रविवार को बौद्ध मठ क्लेमेंट टाउन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात का 111वां संस्करण सुना। मन की बात कार्यक्रम के बाद मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन में कहा कि प्रधानमंत्री ने मन की बात में वृक्षारोपण को बढ़ावा देने की बात कही। विश्व पर्यावरण दिवस पर एक पेड़ माँ के नाम अभियान की शुरुआत की गई। उन्होंने सभी प्रदेशवासियों से आह्वान किया कि इस मानसून सीजन में अधिक से अधिक वृक्षारोपण कर पर्यावरण के संरक्षण और सर्ववृद्ध में अपना योगदान अवश्य दें। ओडिशा में भारतीय जनता पार्टी द्वारा आयोजित किए गए एक सम्मान समारोह में केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने विवादास्पद बयान दिया। उन्होंने ओडिशा के मुख्यमंत्री और दो मंत्रियों की तुलना भगवान जगन्नाथ, भगवान बलभद्र और देवी सुभद्रा से की। आपको बता दें कि हाल ही में संपन्न हुए लोकसभा विधानसभा चुनाव में ओडिशा में भाजपा के 78 विधायकों और 20 सांसदों ने जीत हासिल की। इस वजह से राज्य में सम्मान समारोह का आयोजन किया गया था।